हेलो गाइस, तो आप जैसा कि क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि एफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के है, ठीक। अब ये कह रहा है कि आपको के की वैल्यू निकालनी है अगर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है। तो किस तरीके से हम k की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम सॉल्यूशन में देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज होते हैं, और ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब माइनस को माइनस ही लिख दिए, b की वैल्यू आप यहां पे देखेंगे x के साथ रहने वाले विद साइन जो नंबर होगा वो b होगा, यानी कि माइनस सिक्स अपॉन x स्क्वायर के साथ रहने वाला जो नंबर होगा वो होगा a, यानी कि 1, ये हो जाएगा 6। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है सी बाई ए। सी यानी कि जो कांस्टेंट है यानी कि के, और ए की वैल्यू है 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो गया के। थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखते हैं कैसे, आखिर कैसे हम इसको ये लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा यानी कि a का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो हम बाहर से लगाए थे माइनस 2 अल्फा बीटा, ये दोनों कट जाएंगे। तो देखिए ये लेफ्ट वाले के बराबर आ रहा है। ये केवल प्रूव करने के लिए हम आपको बताएं, इसको जरूरत नहीं करने की है, तो इसको हम इरेज कर दिए। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहां पे देखिए अभी निकाले हैं 6, यानी कि इसको कर लीजिए 6 का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, k, यानी कि k रख दीजिए, ठीक। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन में दी गई है 40, तो इसको कर दीजिए 40, ठीक। ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 36 माइनस 2k, ठीक। ये माइनस 2k को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 2k, इधर 36 माइनस ये 40 है उधर चला जाएगा, जो कि हो जाएगा माइनस 4। अब 2k इक्वल टू माइनस 4, सो k इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 2।